Hey guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to teach you classics English ka jo chapter hai, a different kind of school and where do all the teachers go. So I'm going to teach the chapter a different kind of school. So let's begin. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the change come to visit it. When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12 years. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him to come, who had come. He seemed to be describing me to her. And then they passed on. तो क्या हुआ, एक लड़की मैंने बहुत ये पोएट बता रहा है कि मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने एक बिग डील सुनी थी मिस बीम्स के स्कूल के बारे में. बट वो सिर्फ अगले हफ्ते तक ही थी. बट मेरे को एक चांस मिला था कि उस स्कूल को मैं विज़िट करूँ, उस स्कूल को मैं देखूँ. मुझे देखना था वो स्कूल कैसी है अंदर से बाहर से, ठीक है. तो जब मैंने वो स्कूल को स्कूल में गया तो मैंने वापस स्कूल के बाहर मैंने एक लड़की देखी. और वो जो लड़की थी, वो लड़की उसके आँख में, वो 12 साल की लड़की थी और उसके आँख में एक बैंडेज कवर था, एक पट्टी लगी हुई थी. और वो बहुत धीरे धीरे से वो फ्लावर्स गार्डन में चल रही थी. और उसके साथ एक 4 साल का बच्चा था. वो उतने पीछे उसने उससे पूछा कि यहाँ पर कौन आया है. तो वो लड़की ने से पूछा, तो वो जो पोएट को लगा कि वो मुझे ही पूछ रही है कि कौन आया है. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. जो मिस बीम थी, मैं स्कूल का ना जो नाम था, स्कूल की जो डायरेक्टर है उनका नाम मैंने जैसा सोचा था वैसी ही है. मिडल एज, फुल और ऑथोरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, उनके जो हेयर थे वो बिगिनिंग में ग्रे हो गए, टर्न ग्रे हो गए. उनकी जो काइंड ऑफ प्लम्प फिगर थी वो एकदम कंफर्टिंग थी होम सिक चाइल्ड के लिए, ठीक है. I asked her some questions about her teaching methods, which I heard were simple. मैंने उनसे कुछ टीचिंग मेथड्स पूछी तो उन्होंने बोला कि मेरी टीचिंग मेथड्स बहुत ही सिंपल है. नो मोर दैट इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता कि कैसे थिंग्स लर्न करनी है उनको हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग. क्या करना है, स्पेलिंग लर्न करनी है, एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, ठीक है. और जो और बाकी का जो बचा होता है वो हम लोग रीडिंग में कर लेते हैं. और कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स जब कोई सब लोग चुप रहते हैं. और कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जब कीप देयर जब बहुत सारे बच्चे शोर मचाते हैं तो उनको कीप क्वाइट बोलते हैं. तो ये सब प्रैक्टिकली और कुछ अदर लेसन नहीं है. तो कुछ रियल एम ये स्कूल का है तो टीच थॉटफुल और बच्चों को समझ में आए वैसा ही है. काइंडनेस टू अदर्स, ठीक है. और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्कूल बहुत ही बच्चों के लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है. लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू. आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ गार्डन, लार्ज गार्डन. तो मैंने विंडो में देखा तो बहुत सारे, बड़ा सा गार्डन था और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. मैंने कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे. आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. मैंने कुछ बहुत सारे जॉली चिल्ड्रंस को देखा. इट पेन्स मी, मतलब वो उसको दुख होता है. थ्रू टू सी दैट दे आर नॉट एट हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. मीन्स जो जॉली जॉली चिल्ड्रन, मतलब जिनके कई हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी के आँख, किसी का नाक नहीं होता, किसी का कुछ खराब होता है, तो उन्हें ऐसे स्कूल में डाल दिया जाता है. तो पोएट को ये बहुत ही ख़राब लगता है. तो मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो थी
वो पुअर थी वो भी वहीं पे थी, और बहुत सारे बच्चे की आईज में प्रॉब्लम थी, आईज नहीं थी किसी की, क्या नहीं था, और ऐसा था कि स्कूल में मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, शी इज ओनली हर लेम डे। तो क्या हुआ था, मिस बीम बहुत जोर की हंसी, मिस बीम बहुत जोर की हंसी कि ओ नो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि ये जॉली चिल्ड्रंस नहीं है असली में, ये लेम डे है। लेम डे मतलब पता है, जो ब्लिंड डे, मतलब इस स्कूल में, जो मिस बीम के स्कूल में हमेशा एक ब्लिंड डे होता, लेम डे होता था, जिसमें आग बंद करके पूरी स्कूल में घुमा जाता था वही, ठीक है। तो आई हैव वेरी सरप्राइज एंड पोएट भी हंसने लग गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, और असली में वो जॉली पास नहीं थे, उनकी आँख, उनकी नाक, उसके हाथ पैर कोई चीज नहीं गए थे, बस वो नाटक करते थे। टू मेक अवर चाइल्ड अप्रिशिएट, उनको, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड मिसफुलनेस बनाने के लिए। और हमारे स्कूल में हमेशा एक ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे और एक डम डे होता ही है। जो ब्लाइंड डे होता है वो आईज, आंखों में पट्टी बांधकर स्कूल में जो भी करना कर सकते हैं, द बैंडेज उनकी आंखों में डाल के फिर स्कूल में आना होता है, ठीक है। दिस इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू, तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, मिस बीम कंटिन्यू, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, सब लोग एक काइंड है और सब लोग एक कुछ ना कुछ गेम करते रहते हैं पूरे दिन में, सबको करना होता है, ये सब कंपलसरी होता है, ये सारे गेम, वन डीप डे, लेम डे, इंजर्ड डे, डम डे, ब्लाइंड डे, ये सब जो होता है ना, ये होता है हमारे स्कूल में रोज होता है। ब्लाइंड डे जो होता है वो ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट होता है, सबसे गंदा ब्लाइंड होता है, क्योंकि उसमें आँख में पट्टी बांध कर, और कुछ कुछ बच्चों को पट्टी बांधना नहीं पसंद होता है, ओके, विल पावर नहीं होती उनमें, चिल्ड्रन की माउस भी रियली एक्सरसाइज करने पड़ते हैं उनको उसके लिए, ठीक है। मिस बीम लेट टू बी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, ही इज़ अ जेंटल मैम, कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम। मिस बीम ने एक बैंडेज गर्ल को बुलाया और पोएट से टॉक करने बोला, बातें करने बोले, डोंट यू एवर पीप, क्या यू एवर पीप, तुम कभी पीप करते हो, आई आस्क द गर्ल, ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुल बी चिटिंग। मिस बीम ने पूछा वो लड़की को, क्या तुम कभी चीटिंग करते हो, आँख खोल के कभी देखते हो जब ब्लाइंड डे होता है तो। लड़की बोलती, नहीं नहीं ये तो चीटिंग होगी, मैं नहीं करती ऐसा, बट आई हैड नो आइडिया इट इज़ अवेफुल टू बी ब्लाइंड, ये बहुत ही अवेफुल होता है, मतलब बहुत ही मज़ा आता है ब्लाइंड होने में, ठीक है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी देख नहीं सकते, यू फील यू आर गोइंग टू बी हर्ट समवन एवरी मोमेंट, उन आपको लगेगा कि तुम कोई भी मोमेंट पे आप किसी को भी मारने जा रहे हो, ठीक है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, ये कितना मज़ा आता होगा बस बैठे रहने का, वो लड़की बोलती होगी, ठीक है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर्स काइंड टू यू, और क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे केयरफुल रहते हैं, तो वो लड़के ने बोला, यस माई हेल्पर्स आर माई केयरफुल, ओके, ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, वो लड़के ने बोला चलो हम थोड़ा सा वॉक कर गया है, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड वेन टूडे इज़ ओवर, द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एट दिस, हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग ऑन द क्रच, और जो लेग बांध कर पैर बांध कर भागना होता है ना, वो भी बहुत ही खतरनाक होता है, वो लड़की बोल रही थी। एंड इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, मैंने प्ले ग्राउंड में बोला हम एक हाउस की तरफ वॉक कर रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक गार्डन में एक लड़की के साथ घूम रही थी, अप एंड डाउन कर रही थी। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क, उसने पूछा मेरी लिटिल गर्ल क्या, लिटिल गर्ल ने क्या पहना है, तो मेरी फ्रेंड ने पूछा, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज,
आई थिंक इट इज मिल्ली, शी सेड वॉट कलर इज हर है, उसके बालों का कलर क्या है, वो शायद तक वो मिली है, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट आई सेड यस द मिली शी हैड, शी इज द हेड कलर, उसने बोला यस वो मिली है, उसके बालों का लाइट ही कलर है और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज ओल्ड मैन टाइपिंग अप रोजेस, वो रोजेस टाइपिंग रोजेस लगा रही थी, यस दैट्स पीटर, वो पीटर है और वो गार्डनर है, 100 सालों की है वो, ठीक है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, एंड उस लड़की के जो बाल थे वो कर्ली हेयर थे, और उससे बोला वो अनीता है लड़की ने, और वो वॉक करने लगा। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल दैट आई हैव आई कुड बी। ऑल्सो रियलाइज दैट आई इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो मैं जब वॉक करते रहा मैंने तब डिस्कवर किया, मैं तब ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट 10 times मोर थॉटफुल हूँ मैं। आई कुड बी रियलाइज दैट पीपल और थिंग्स टू समवन एल्स मीन्स बिना देखे भी किसी को हम पहचान सकते हैं, उनकी रोज के काम की काम से या कुछ इंटरेस्टिंग उनकी थिंग्स से हम उन्हें पैसा पहचान सकते हैं। ये पोयम लिखी है, सॉरी ये स्टोरी लिखी है ई वी ल्यूकस ने ये स्टोरी लिखी है। और इसी चैप्टर में एक और एक पोयम है, दो पोयम है, इसमें से एक पोयम देखियो ये वाला, ऑल अबाउट ब्लाइंड। ऑल अबाउट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर होल ग्रोप्स फॉर वर्म्स द फोर क्लाथ क्लॉथ मोल, और ऑल बट ब्लाइंड इन द इवनिंग स्काई द हुडेड बैट ट्विल्स सॉफ्टली बाय, ऑल बट ब्लाइंड इन द बर्निंग डे द बर्न आउट ब्लंडर्स ऑन हर फे एंड ब्लाइंड एज हर दीज थ्री टू मी सो ब्लाइंड टू समवन आई मस्ट बी। ये पोएम लिखी है एज गुड एज ब्लाइंड, ये पोएम लिखी है वॉल्टर डी लाम मारे। और उसमें से सेकेंड पोएम है वेयर डू ऑल द टीचर्स को वेन एट 4 o'clock डू देयर लिव इन देयर हाउसेज एंड डू देयर वॉशेज देयर क्लो सॉक्स। तो ये पोएम में बताया गया है 4 बजे के बाद हमारे स्कूल जब छुट्टी है तो टीचर्स उनके घर में जाते हैं, उनके सॉक्स धोते हैं, क्या करते हैं टीचर्स, वो उनके पजामाज वेयर करते हैं, वो टीवी देखते हैं, वो उनके नोजेस पिक करते हैं हमारे जैसे सेम यू एज मी। डू दे लिव विथ अदर पीपल, हैव देयर मॉम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। तो क्या वो अदर लोगों के साथ बैठते हैं या उनके मम्मी पापा के साथ रहते हैं या कभी वो चिल्ड्रन रहे या कहीं वो बैड रहे हैं कभी। और डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड ऑन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। तो क्या वो पनिश्ड, क्या उन्होंने रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है, क्या उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की है, क्या वो एक पनिश कॉर्नर में पनिश्ड हुए हैं चॉकलेट फ्लेक्स खाने के लिए। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन डेस्कटॉप, क्या वो कभी उनकी बुक्स भूल गए हैं कहीं पर, या कभी वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए ना भूलते हैं, या कहीं स्क्रिबल किया है डेस्क पे, क्या वो डर्टी ओल्ड जींस पहनते हैं। आई फॉलोड वन बैक होम टूडे, आई फाइंड आउट वॉट दे डू देन आई पुट इन दिट पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। तो क्या वो डर्टी जीन्स पहनते हैं पुरानी वाली, मैं एक बार उनके पीछे पीछे घर पे जाऊंगा और देखूंगा कि वो 4 बजे के बाद या बाद में क्या करते हैं स्कूल छूटने के बाद, और मैं पोयम में आपको बताऊंगा ताकि आप पोयम पढ़ सकें। तो ये पोयम लिखी गई है पीटर डिक्सन ने, वेयर टू ऑल द टीचर्स गो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो ये चैप्टर अच्छा लगा हो, दो पोएम्स अच्छी लगी हो, एक चैप्टर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।